बेसिकली हमने फर्स्ट पार्ट खत्म कर लिया था एनाटॉमी का, जनरल हैंडबुक का. सो ये सेकंड पार्ट है हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी. ठीक है. सो ग्रीक पीरियड में हिप्पोक्रेट्स, आपको जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ. हिप्पोक्रेट्स याद रखना है, हेरोफाइलिस याद रखना है. ठीक है. हिप्पोक्रेट्स में भी आपको क्या याद रखना है, फादर ऑफ मेडिसिन थे हिप्पोक्रेट्स, हेरोफाइलिस था फादर ऑफ एनाटॉमी. बेसिकली ये फर्स्ट सर्जरी एक तरह से परफॉर्म किया था, लेकिन रिकॉर्डेड नहीं था, ये बुक पर रिकॉर्ड नहीं किया गया था कहीं भी. ठीक है. फर्स्ट सर्जरी इन्होंने परफॉर्म किया था. सेरेबेलम सेरेब्रम के बीच में डिफरेंस लाया गया था, आर्टरी वेंस के बीच में डिफरेंस लाया गया था, एंड मोटर एंड सेंसरी नर्व के बीच में इन्होंने डिफरेंस दिया था. ठीक है. बेसिकली सर्जरी वाला आप एक तरह से छोड़ भी दो, तो बेसिकली आपको ये मेन याद रखना है, सेरेबेलम सेरेब्रम नर्व्स टेंडन्स आर्टरी वेंस एंड मोटर एंड सेंसरी नर्व के बीच में डिफरेंस दिया था हेरोफाइलिस ने. ग्रीक पीरियड में आपको याद रखना है, ग्रीक पीरियड में आपको दो थे एच स्क्वायर. आप ए बी सी डी ई एफ जी एच, जी एच होता है ना, जी के बाद एच आता है, तो आप जी से ग्रीक याद कर लो. ग्रीक निमोनिक भी देते जा रहा हूँ, एच से हाइपोक्रेट्स एंड हेरो याद कर लो, हिपो हाइपो एंड हीरो. ठीक है. हाइपो एंड हीरो, हिपोक्रेट्स हीरोफाइलस. ठीक है. बेसिकली रोमन पीरियड में एक ही इंपॉर्टेंट है और वो एक ही आता भी है, हु इज़ द गैलन. जैसे फादर ऑफ एनाटॉमी हम लोग बोलते हैं एक तरह से हेरोफाइलस को, एंड फिजिशियन फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं हम लोग हिप्पोक्रेट्स को, लेकिन प्रिंस ऑफ मेडिसिन या फिर प्रिंस ऑफ फिजिशियन हम लोग बोलते हैं, फिजिशियन का प्रिंस कौन है, गैलन. गैलन को दिया जाता है इसका नाम प्रिंस ऑफ फिजिशियन. ठीक है. तो आर जी कुछ लगा लो आप लोग. हाँ आर जी, आर से रैबिट लगा लो, रैबिट लगा लो, जी से ग्रास लगा लो. बुक की टेंशन मत लेना, बुक मेरे पास और भी है. ठीक है. आर से रैबिट लगा लो, बी जी से ग्रास लगा लो. रोमन पीरियड में था गैलन. ठीक है. देन इसके बाद आ जाता है 14th सेंचुरी. ग्रीक आया, रोमन आया, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है 14th सेंचुरी. ये काफ़ी इजी हो जाता है याद करना. देखो मैं बताता हूँ कैसे. 14th में आता है आपका मुंडिनस. ठीक है. मुंडिनस को एक तरह से हम लोग बोलते हैं रिस्टोरर ऑफ एनाटॉमी. ठीक है. फिर 15th में आपका लियोनार्डो डाविंजी, ये तो किसी को भी याद हो जाएगा. ये एक तरह से ऑलराउंडर टाइप पर्सन था, इसको सब कुछ करना आता था. ठीक है, लियोनार्डो डाविंची को. और 16th सेंचुरी में आ जाता है वेसेलियस. 14, 15, 16 कैसे याद करना है, 14 में मुंडिनस और 16th में वेसेलियस, अस लास्ट में सबके अस आ रहा है, बीच में लियोनार्डो डाविंची, ऊपर में मुंडिनस, नीचे में वेसेलियस, नीचे वाले को रिफॉर्मर, ऊपर वाले को रिस्टोरर. ऊपर वाला रिस्टोर करेगा, नीचे वाला रिफॉर्म करेगा, बीच वाला ऑलराउंडर है. ठीक है, इस तरह याद रखना है. 17th सेंचुरी में आ जाता है आपका विलियम हार्वे, ये तो किसी को भी याद होगा गाइस. ठीक है. ब्लड सर्कुलेशन इन परफॉर्म्ड इन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है. और ह्यूमन डाइसेक्शन, फर्स्ट रिकॉर्डेड ह्यूमन डाइसेक्शन भी इन्होंने ही करा था, विलियम हार्वे ने. इसके बाद हंटर आ जाता है, विलियम हंटर, हंटेरियन म्यूजियम. हंटेरियन म्यूजियम इज प्रेजेंट इन लंडन. ठीक है. ये भी, और अगर आपको कोई बोले इम्बाल्मिंग, मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, इम्बाल्मिंग हैज बीन प्रोसेस इन कैडबरी कैनाटॉमी. ठीक है, वो आपको मैंने उसमें बताया था. इम्बाल्मिंग का मतलब होता है प्रिजर्वेशन. तो फर्स्ट प्रिजर्वेशन हैज़ बीन परफॉर्म्ड और हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम हंटर फ्रॉम 18th सेंचुरी. ठीक है. 14, 15, 16 इज सो इजी टू लर्न. आप 18th सेंचुरी याद कर लेना, हो जाएगा काफ़ी टाइम, दो तीन बार पढ़ोगे तो. ठीक है. विलियम हंटर, हंटेरियन म्यूजियम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. 17th सेंचुरी में थे आपके विलियम हार्वे. इसको याद करना कैसे आसान हो जाता है, विलियम कॉमन आ जाता है. 17, 18 में विलियम कॉमन आ जाता है. हार्वे और हंटर का डिफरेंस आता है, पहले हार्वे होगा फिर हंटर होगा, हार्वे ने हंटर चलाया, इस तरह याद रखना. ठीक है. हार्वे ने हंटर चलाया, तो हार्वे पहले था फिर हंटर आया. ठीक है. हार्वे है तब तो हंटर चला ना. ठीक है, इस तरह से. विलियम हार्वे में आपको सिंपली याद रखना है ब्लड सर्कुलेशन इन MIT मैसाचुसेट, और हंटर में याद रखना है आपको हंटेरियन म्यूजियम, और फर्स्ट रिकॉर्डेड ये क्या बोलते हैं गाइस, फर्स्टली इंट्रोड्यूस द डे एम्बाल्मिंग, इम्बाल्मिंग और प्रिजर्वेशन ऑफ द डेड बॉडी. ठीक है. और उसको हंटेरियन म्यूजियम में इंट्रोड्यूस किया गया और डिस्प्ले किया गया. 19th सेंचुरी में आ जाते हैं ग्रेज. ठीक है. ग्रेज मैरीलैंड में, मैरीलैंड एक जगह है, वहाँ पे ये थे ग्रेज. ग्रेज एनाटॉमी जो हम लोग पढ़ते हैं ये 19th सेंचुरी में लिखा गया था. 19 मतलब 18, 80s का बात होगा, 18, 18s का बात होगा ये. ठीक है. 19 बोला जा रहा था, 18, 18s का बात होगा. ग्रेज एनाटॉमी जो हम लोग पढ़ रहे हैं हेनरी ग्रेज ने लिखा था, 19 सेंचुरी का बात है, 1883 समथिंग लाइक, मैरीलैंड में लिखा गया था. और एक आते हैं विलियम रोइंगटन, इनका मैंने नाम आपको बताया था एक्सरे के खोज के लिए, विलियम रोइंगटन.
एंड मैरी क्यूरी, ठीक है, दोनों रेडियो एक्टिविटी में खाली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे थे। बाकी सारा आप याद रखना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मेन जो नाम है वो है मुंडेनस का, वेसालियस का, डविंची सबको याद रहता है, हेरोफाइलस हिपोक्रेट्स एंड विलियम हंटर एंड विलियम हार्वे, दैट्स इट। इसके आगे आपको कुछ नहीं याद रखना है। 20th और 19th सेंचुरी के बीच एक काफ़ी अच्छी चीज़ हुई थी गाइज, कि नॉन इन्वेसिव टेक्नोलॉजी को ढूंढ लिया गया था। नॉन इन्वेसिव क्या होता है? विदाउट डैमेजिंग द बॉडी, विदाउट डैमेजिंग द बॉडी टिश्यू वी कैन क्लियरली इंस्पेक्ट द बॉडी। तो लाइक हो गया आपका मेडिकल इमेजिंग हो गया, MRI हो गया, आपका CT हो गया, को इसको बोलते हैं कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, इसको बोलते हैं मेडिकल या मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, इसको बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी, इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे। एक्सरे तो 1940s में ही आ गया था गाइस, ठीक है, ये सब आपका काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया था, तो हम लोग को बॉडी को डाइसेक्ट करने का नीड एक तरह से खत्म हो गया था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बॉडी पोजिशंस ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और आप लोगों के लाइक करने से मेरी वीडियो फीचर होने लगेगी, सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगेंगे, तब मुझे पता लगेगा कि आई एम वर्किंग इन टू द परफेक्ट डायरेक्शन, ठीक है। सो थैंक यू वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।